कोई दो राय नहीं है इस बात में कि जब बात होती है क्रिकेट की तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम प्रेमी इमोशनल हो जाते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम जीत जाती है तो लड्डू बांटते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन वहीं अगर टीम इंडिया गलती से हार जाती है तो कुछ लोग इमोशनल होकर रो भी देते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि जब महेंद्र सिंह धोनी 49 रन बनाकर आउट हुए तो ये कैमरा पर्सन रोने लगे। जाहिर है जब धोनी रन आउट हुए सेमीफाइनल में तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और ऐसे में बहुत से ऐसे क्रिकेट प्रेमी रहे होंगे जिन्हें धक्का जरूर लगा होगा और कुछ तो रो भी दिए होंगे। लेकिन क्या ये कैमरामैन भी महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने पर रोने लगा था? चलिए पहले हम आपको बताते चलें कि इन साहब का नाम मोहम्मद अल अजावी है। अजावी बेशक एक पत्रकार हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और यकीनन ये एक खेल के मैदान में खड़े हैं और रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी ड्रेस पर ईरान का झंडा नजर आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि ये गलत तस्वीर है जिसे धोनी के नाम से वायरल किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ईरान का झंडा ड्रेस पर लगा हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बारे में बिना जाने लोग ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर को शेयर करें। जी हाँ, इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बारे में बिना जाने लोग ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। धोनी के आउट होने पर यह कैमरामैन रोने लगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब ईरान की टीम फुटबॉल मैच हार गई थी तब एक रशियन फोटो जर्नलिस्ट ने इस तस्वीर को कैप्चर किया था। वहीं भारत के भावुक सोशल मीडिया यूजर्स मोहम्मद अल अजावी की फोटो को महेंद्र सिंह धोनी के साथ लगाकर शेयर करने में लगे हैं, बिना ये जाने कि जर्नलिस्ट जिनका नाम अल अजावी है भारत के हैं ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन धोनी को ऐसी फर्जी पोस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह की फर्जी खबरें एक खिलाड़ी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आप इंडियन टीम से जरा भी प्यार करते हैं तो भूल कर भी इस तरह की कोई भी खबर बिना पड़ताल किए आगे शेयर ना करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।